हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूँ राबड़ी साहब। डियर फ्रेंड्स, आज इस लेसन में हम सीखेंगे इडियट बॉक्स का प्रयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इडियट बॉक्स, डियर फ्रेंड्स, इस इडियट बॉक्स का मतलब होता है टेलीविजन सेट। टेलीविजन सेट यानी कि टीवी। ओके, टीवी का दूसरा नाम है इडियट बॉक्स। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलिए इसका कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसके माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ओके, देखिए, वी हैव हैड एन इडियट बॉक्स फॉर द लास्ट 15 इयर्स। पिछले 15 सालों से हमारे पास एक इडियट बॉक्स है, यानी कि टीवी सेट है, टीवी है, ठीक है। तो चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। व्हेन यू केम हियर आई वॉज वॉचिंग इडियट बॉक्स। जब तुम यहां आए तब मैं इडियट बॉक्स देख रहा था, यानी कि टीवी देख रहा था, ठीक है। तो चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। डोंट सिट इन फ्रंट ऑफ द इडियट बॉक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। ज्यादा देर तक इडियट बॉक्स के सामने मत बैठो। ज्यादा देर तक इडियट बॉक्स के सामने मत बैठो, यानी कि टीवी के सामने ज्यादा देर तक मत बैठो, ठीक है। तो चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। आई सॉ क्रिकेट मैच ऑन द इडियट बॉक्स। इडियट बॉक्स पर मैंने क्रिकेट मैच देखा। इडियट बॉक्स पर मैंने क्रिकेट मैच देखा, यानी कि टीवी पर मैंने क्रिकेट मैच देखा, ठीक है। तो चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। He always watches movies on the idiot box. वह हमेशा idiot box पर movies देखता है। वह हमेशा idiot box पर movies देखता है, यानी कि TV पर movies देखता है, ठीक है। तो चलिए और एक example देखते हैं। This idiot box was on the blink yesterday. यह idiot box कल खराब था। यह इडियट बॉक्स कल खराब था, यानी कि यह टीवी सेट कल खराब था, ठीक है। तो चलिए इस लेसन का लास्ट वन देखते हैं। यू शुड बाय एन इडियट बॉक्स फॉर एंटरटेनमेंट। मनोरंजन के लिए तुम्हें एक इडियट बॉक्स खरीदना चाहिए। मनोरंजन के लिए तुम्हें एक इडियट बॉक्स खरीदना चाहिए, यानी कि टीवी सेट खरीदना चाहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था आपका इडियट बॉक्स का प्रयोग, जिसका अर्थ होता है टेलीविजन सेट, यानी कि टीवी। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं चाहता हूं। होपफुली अब तक आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि इस इडियट बॉक्स का प्रयोग आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो सबसे पहले आप इसका प्रैक्टिस करें, और जब इसके सिचुएशन आए प्रैक्टिस करें। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट भी करें वीडियो कैसी लगी। और जो भी आपकी तरह इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के पास जो बेल के आइकन है उस बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। फिर मिलेंगे अगले लेसन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप लर्निंग इंग्लिश।